दोस्तों दोपहर का समय था, बॉर्डर इलाके में धूल भरी आंधियां चल रही थी। भारत पाकिस्तान बॉर्डर के आसपास फौजी भाई मुस्तैदी से तैनात थे। फौजी भाइयों की तैनाती के बावजूद अचानक एक ऐसी घटना घट जाती है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या इस कलयुगी संसार में ऐसा भी हो सकता है? आप फौजी भाइयों से क्या उम्मीद करते हैं? फौजी चाहे भारत का हो या फिर पाकिस्तान का, फौजी फौजी ही होता है। यह जो नजारा आप देख रहे हो, यह पाकिस्तान का बॉर्डर से लगता हुआ आखिरी गांव है। पाकिस्तान के इसी आखिरी गांव में दो पाकिस्तानी बहनें बॉर्डर के आसपास बकरियां चरा रही थी। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था। असल में ये दोनों बहनें लंबे समय से अपनी बकरियां इसी बॉर्डर के आसपास चराया करती थी। मासूम बहनें रोजाना की तरह अपने खेल में मस्त थी। जैसे जैसे दोपहर का समय ढलने लगा, बालिकाएं घर की ओर जाने को तैयार थी, मगर उन्हें क्या पता था कि अगला ही पल उनके लिए एक भयानक तबाही लाने वाला है। अचानक रेत के टीलों में एक बाउंडर उठता है। उन बहनों को आसपास का इलाका दिखना बंद हो गया था। उन्हें यह भी नहीं पता था कि भारत का बॉर्डर किस साइड है और पाकिस्तान का बॉर्डर किस साइड। मगर उन नाबालिग बच्चियों को अपनी बकरियों पर पूरा भरोसा था। जिस ओर बकरियां भाग रही थी, और फिर उन दोनों बच्चियों ने बकरियों के पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया था। करीब 500 मीटर की दूरी तक ही चल पाए थे, तब उन्हें एक अजीब सा एहसास हुआ। उन्हें लगा कि शायद वे गलत रास्ते पर आ गई है, मगर उन बच्चियों का साहस कमजोर नहीं पड़ा था। आंधी के बाउंडर को पार करते करते काफी रास्ता तय कर लिया था। अब उन बच्चियों के चेहरे पर चिंता साफ साफ झलक रही थी। वक्त बीतते पता ही नहीं चला, शाम होने को आ गई थी, दिन भी ढल गया था। जहां तक उनकी नजर जा रही थी, हर तरफ रेत के टीले ही टीले थे। तभी अचानक तीन चार फौजी बंदूक तान कर उन्हें घेर लेते हैं। बार बार फौजियों का एक ही सवाल था, भारत के हो या फिर पाकिस्तान के। बालिकाएं बुरी तरह घबरा गई थी, फिर धीमी आवाज में कहा कि वे पाकिस्तान की है और बॉर्डर के पास ही बकरियां चरा रही थी। आंधी के बाउंडर की वजह से वे रास्ता भूल गई है। फौजी भाइयों ने समझाया कि भारत के सिपाही हैं, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। फौजी भाइयों ने समझाया कि आप हमारी बहनों की तरह हैं, हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। नॉर्मल प्रक्रिया से गुजरने के बाद तुम्हें सही सलामत अपने घर भेज दिया जाएगा। फौजी भाइयों ने उन बालिकाओं को अफसरों के कैंप में ले गए। पूरी प्रक्रिया को दोहराया गया और फिर रात करीब 9 बजे तक पाकिस्तानी आर्मी से भी संपर्क साध लिया था। उन बहनों ने जाते जाते भारत के उन जांबाज वीरों को सलाम दिया था। दोस्तों, भारत के इन सच्चे सिपाहियों के लिए एक लाइक तो बनता है। काश पाकिस्तानी आर्मी भी ऐसा ही रवैया अपनाए, तो फिर वह दिन दूर नहीं जब भारत पाकिस्तान दोनों मुल्क बॉर्डर पर आपसी शांति का एक नया पाठ पढ़ाए। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय इंडियन आर्मी।